भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर विपक्ष से विकल्प तक की यात्रा में भाजपा में मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि इससे पहले मोर्चा की इस तरह की प्रखरता, मुखरता तथा उपस्थिति कम रहती थी, लेकिन वर्तमान में मोर्चों की भूमिका झंडे में डंडे की है। पार्टी के आधार स्तंभ है और सभी सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए समाज की एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है। पूनिया गुरुवार को ब्यावर में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत करने आए थे। इस दौरान वे मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान पूनिया ने कहा कि जब विपक्ष में होते हैं तो उनके लोग सरकार की नीतियों को उजागर करते हैं और उनके हक के लिए लड़ते हैं, और जब शासन में होते हैं तो शासन की नीतियों के माध्यम से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए पीएम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के उद्घात मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत और व्यवहार दोनों के ही आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने आगामी योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में मिशन 2023 में ऐसे मोर्चा तथा जाति वर्ग की बड़ी भूमिका होगी। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए पूनिया ने कहा कि प्रदेश में 55 वर्षों तक राज करने के बावजूद कांग्रेस का लूट और झूठ का खेल बेनकाब हो गया। इसी आधार पर हम 2023 में सभी जाति वर्ग के लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में चल रहे घटनाक्रम पर बोलते हुए पूनिया ने बताया कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है। पिछले 4 साल के कालखंड में प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध घटित हुए हैं। यहाँ पर 7,97,000 मुकदमे, 6,337 अपराध बलात्कार की घटनाएं, जिसमें 17 बलात्कार प्रतिदिन तथा 7 हत्याएं हर रोज हो रही है। यह सरकार की वानगी है। पूनिया ने कहा कि प्रदेश का किसान कर्जा माफी तथा युवा रोजगार के लिए त्रस्त है। प्रदेश में बेरोजगारी का 32% पहुंच गया है। प्रदेश में हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोकतंत्र में सरकार की अस्थिरता शाखा पर प्रभाव डालती है। प्रदेश में अराजकता के लिए कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह जिम्मेदार है। पूनिया ने कहा कि भले ही उनका घर का झगड़ा होगा, लेकिन उसने प्रदेश की जनता के साथ ठगी की है और ऐसी सरकार को प्रदेश की जनता 2023 में हमेशा के लिए विदा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष से विकल्प तक की यात्रा में मोर्चों की बड़ा योगदान है। हालांकि उससे पहले मोर्चों की इस तरीके की प्रखरता, मुखरता और उपस्थिति कम होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में मोर्चों की वही भूमिका है जो झंडे में डंडे की है। पार्टी के आधार स्तंभ हैं और सभी सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए, पूरे समाज की जो एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है उसको ध्यान में रखते हुए, जब विपक्ष में होते हैं तो उनके लोग हित की नीतियों को उजागर करते हैं, उनके लिए हक के लिए लड़ते हैं, और जब शासन में होते हैं तो शासन की नीतियों के माध्यम से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस उदात्त मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रशिक्षण शिविर है। हम पार्टी के सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही के आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्यावर में, अजमेर जिले में आज हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह जी और हमारे भाई प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी और तमाम हमारे जितने हमारे प्रमुख लोग हैं, भागीरथ जी चौधरी हमारे सांसद मदर, पार्टी के और मोर्चे के सभी प्रमुख लोगों की उपस्थिति में आज इस प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ है। 3 दिन के इस शिविर में पार्टी के कार्यकर्ता संस्कार, अनुशासन, पार्टी की रीति नीति, कार्यक्रम और आगामी योजना पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में मिशन 2023 के लिए अनुसूचित जाति की, वर्ग की और कार्यकर्ताओं की, मोर्चे की बड़ी भूमिका रहने वाली है, और इसलिए मुझे खुशी है कि आज हमें मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ इस शिविर के शुभारंभ का अवसर मिला। राजस्थान में 55 वर्षों तक राज करने के बाद लूट और झूठ का खेल कांग्रेस ने खेला, वो बेनकाब हो गए। 2023 में हम सब लोग हर तबके को साथ लेकर लोक कल्याण की नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे और उसमें अनुसूचित जाति मोर्चे की ये प्रशिक्षण शिविर, इसकी बड़ी भूमिका रहेगी।
राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इस पूरे चार साल के कालखंड में सबसे ज्यादा अपराध हुए, 7,97,000 मुकदमे, 6,337 अपराध बलात्कार की घटनाएं, और उसमें भी 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं प्रतिदिन। ये वानगी है। किसान कर्जा माफी को त्रस्त है, नौजवान नौकरी के लिए त्रस्त है, 32% बेरोजगारी, और विरासत में जो हर 12 किलोमीटर भ्रष्टाचार की जो वानगी है, ये इस सरकार ने राजस्थान की जनता को दी है। लेकिन उससे आगे जो अस्थिरता है लोकतंत्र में, सरकार की स्थिरता ये शासन पर प्रभाव डालती है। राजस्थान की अराजकता की दोषी है तो कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह अंतर्द्वंद्व है। उनका घर का झगड़ा बेशक होगा, लेकिन उसने राजस्थान की जनता के साथ ठगी की है, और ऐसी ठगी करने वाली पार्टी को राजस्थान की जनता 2023 में हमेशा के लिए विदा कर देगी। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।